वेलकम बैक गाइस विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का उसका सल्यूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल गाय स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना ये देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मयूर लिमिटेड तो ये उसकी लाइबिलिटी साइड है ठीक है जी दो और दो हज़ार का ठीक है जी चलिए हम आगे अब बात करते हैं इसके अगले पोर्शन की ये रहा अगला पोर्शन इसमें एसेट्स गिवन है एसेट्स के बाद साइड है ये ओके उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट गिवन है ओके जी नोट्स टू अकाउंट के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाएगा हमारा प्रपोज डिविडेंड हो गया दो का और बीस का, का साठ और पचास मशीन एक है पचास की जिसकी डेप्रिसिएशन तीस लग चुकी है और बीस हजार पर बिकी है डेप्रिसिएशन साल की कितनी है बीस हज़ार डिविडेंड है बीस हजार इनकम टैक्स पेड कितना है पैंतीस हजार प्रपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना तो गाइज इससे पहले कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएं हमें पहले अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनेगा और एसेट अकाउंट भी बनेगा क्योंकि उसके बिना फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी तो मैं पहले बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट ओके जी ये टी शेप में अकाउंट बनाइए यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना गाइस यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन देखिए कितना है वो नोट नंबर में गिवन है या ऊपर ही है एसेट साइड में ऊपर ही है टेंजिबल एसेट्स है ना जो वही है क्योंकि ऊपर से मशीनरी लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में तो मैं मशीनरी नाम से ही अकाउंट बना रहा हूँ ना इसलिए आपको भी दिक्कत आएगी इसको ढूंढने में वो टेंजिबल एसेट्स ही है उसका बैलेंस कितना है हमारे पास टेंजिबल नेट एसेट्स फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में ये रहा हमारे पास दो लाख अस्सी हजार का है ठीक है जी दो लाख अस्सी हजार का ये है और बाय बैलेंस कैरी डाउन तीन लाख सत्तर हजार का ठीक है जी तो अब डेप्रीसीन चार ड्यूरिंग द ईयर कितनी वो कह रहा है बीस हज़ार तो बाय डेप्रीसीशन करके हमारा ये आ जाएगा बीस हज़ार ठीक है जी और उसके बाद गाइस देखो उसने फर्स्ट एडजस्टमेंट या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सेकंड उसने बताया कि वो मशीन कितने की है पचास हज़ार की कॉस्टिंग कितनी है उसकी पचास हज़ार की और उस पर डेप्रीसीशन कितनी लग चुकी है आज तक तीस हज़ार की तो तीस हज़ार हम मैं माइनस कर दूँगा और कितना बच गया बीस हज़ार या क्या बच गया बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू बीस हज़ार की है और उसमें से सोल्ड कितने की हुई है दस हज़ार की लेस सेल ये कितना का आ गया दस हज़ार का और बैलेंस कितना बच गया दस हज़ार का ये आ गया लॉस ठीक है जी अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँगा यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक करके पहले तो आ जाएगा सेल वैल्यू सेल ये कितने का आ गया गाइस हमारे पास दस हज़ार का ठीक है जी और बाय पी एंड एल करके लॉस कितने का आ गया दस हज़ार का तो ये आ गया हमारे पास चालीस तीन चार लाख दस हज़ार चार लाख दस हज़ार ये साइड का टोटल आ गया और दूसरा चार लाख दस हज़ार ये साइड का टोटल आ गया उसमें से दो सौ अस्सी माइनस कर दिए तो एक लाख तीस हज़ार का ये हमारे पास टू बैंक करके परचेज की फिगर हमारे पास मिल गई ठीक है गाइस ये समझ लग गया आपको ये हमारा एक अकाउंट बना अभी हमें दूसरा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा वो किसका अकाउंट बनाना है हमें गाइस प्रोविजन फॉर टैक्स का तो ये हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट टी शेप में यहां आइए यहां इसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस कितना है गाइस चालीस हजार का और क्लोजिंग बैलेंस कितना है टू बैलेंस कैरी डाउन पचास हजार का ठीक है जी और टैक्स पेड कितना बता रहा है वो पैंतीस हजार का जो जो एडजस्टमेंट होती जाती है उसको टिक करते जाते हैं बाय बैंक करके यहाँ से आएगा पेमेंट कितने का गाइस पैंतीस हजार और ये कितना गया? ये आ गया एट्टी फाइव थाउजेंड ये साइड आ गई और एट्टी फाइव थाउजेंड में से चालीस हजार माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोविजन आ जाएगी फोर्टी फाइव की तो करंट ईयर की प्रोविजन कितनी लगी बाय पी एंड एल करंट ईयर की प्रोविज़न ठीक है जी ये बैलेंसिंग फिगर आई है हमारे पास पैंतालीस हजार की ये एट्टी फाइव थाउजेंड अब हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ वर्किंग नोट में दोबारा आगे बनाएंगे हम कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफ़िट कितना गिवन है हमारे पास नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या गिवन है गाइस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है तीस हज़ार और करंट ईयर का फोर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ लिखेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ये आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है जी माइनस थर्टी थाउजेंड इज इक्वल टू यहाँ पे एटीन थाउजेंड हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा एटीन थाउजेंड का प्रॉफिट आ गया हमारे पास ठीक है गाइस कितने का प्रॉफिट आ गया एटीन थाउजेंड का और यहाँ पे हम क्या अब ऐड करेंगे ऐड करेंगे जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कितने का हमारे पास डिफरेंस में देखिए तीस हजार का ऐड कर लो और उसके बाद ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का और वो गाइस कितना है हमारे पास हमने फोर्टी फाइव थाउजेंड निकाला है कैलकुलेट किया ठीक है जी उसके बाद ऐड क्या करेंगे हम प्रपोज डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड कितने का है हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर का लेना है हमें पचास हज़ार का तो प्रीवियस ईयर का है फिफ्टी थाउजेंड का और अगर गाइज यहाँ प्रपोज डिविडेंड दिया होता है तो हम प्रेफरेंस शेयर का अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो दोनों का बीच में ही उसने नहीं बताया ना हमें कि ये इक्विटी का या प्रेफरेंस का ठीक है इसलिए दोनों का कंबाइन ही है और उसके बाद यहां पे क्या आएगा इंटरम डिविडेंड इंटरम डिविडेंड इंटरम डिविडेंड हमारे पास कितना है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में फोर्थ नंबर ट्वेंटी थाउजेंड तो इसका हम टोटल अब कर, कर लेते हैं अब ये आ गया अठारह हजार और तीस फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट प्लस फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी ये आ गया वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड तो ये एन पी बिफोर टैक्स आ गया वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड ये आ जाएगा एन पी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ठीक है जी तो यहाँ पे मैं अब यहाँ लिखूंगा अब हमारा काम शुरू हुआ सारा वर्किंग करने के बाद ठीक है जी यहां लिखेंगे नंबर वन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक है गाइस तो यहां आ जाएगा पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी आइटम्स और वो कितना है एक लाख तिरसठ हजार का और गाइस अब इसमें ऐड क्या करना है हमें इसमें अब हमें ऐड करना है डेप्रिसशन फॉर द ईयर जितनी हमने कैलकुलेट करी थी तो उसको हमारे पास डेप्रीसी कितनी थी बीस हज़ार की डेप्रिसन ट्वेंटी थाउजेंड है उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये ऐड में हमारा क्या आ रहा है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश ठीक है जी एक्सपेंसिस ये तो एक डेप्रिसन आ गया दूसरा क्या है अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बिकॉज गुडविल जो हमारी पहले थी एक लाख पंद्रह हज़ार की अब कितने की होगी बेटा नब्बे हज़ार की ठीक है जी तो पच्चीस हजार की गुडविल भी हमें ऐड बैक करनी है औ, और और ऐड क्या करना है ये डैश लगा रहा हूँ मैं माइनस का साइन नहीं है ठीक है एरो लगा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो ठीक है ये क्या आएगा इसका हेडिंग मैंने यहाँ लिख लिया ना बेटा इसका अब आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्योंकि जो हमारी मशीन के फॉर्म में बिकी थी वो आ जाएगा दस हज़ार का ये भी दस हज़ार हमने ऐड कर लिया तो अब इन सब का टोटल करिए कितना आ गया दस हज़ार का ये ऐड कर लिया एक लाख तिरसठ हज़ार जमा बीस हजार जमा पच्चीस हजार जमा दस हजार ये आ गया दो लाख अठारह हजार दो लाख अठारह हजार ये कितना आ गया अबाई दो लाख अठारह हजार इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फोर डब्ल्यू सी चेंजेस अब यहाँ पर आएगा इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यू सी चेंजेस को हमें एडजस्ट करना है चलिए पिछले पेज पर पे आइए उसमें हमें पहले प्रोविजन देख रहे हैं ट्रेड पेपल्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं तो इसको हमें ऐड करेंगे ऐड करेंगे डिक्रीज इन सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट का हेड बना लो एक और उसके बाद एड क्या करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और वो क्या है ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल अब कितने के हो रहे हैं हमारे पास पहले कितने थे पिछले साल अठासी हज़ार के अब एक सौ बाईस के एक सौ बाईस मतलब अट्ठासी याद थर्टी फोर थाउजेंड ठीक है जी तो थर्टी फोर थाउजेंड के ये हम ट्रेड पेबल्स ऐड कर देंगे चलो जी ये काम तो हो गया उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्वल तो कैश के हेड के अंडर ही आएगा इन्वेंट्रीज कितनी है एक लाख है और अब कितनी होगी एक लाख बयासी हज़ार तो ये बयासी हज़ार की माइनस होगी इसमें लिखेंगे लेस डिक्रीज इन सॉरी इंक्रीज इन यह डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं है ये हमारा ब्लैक रहेगा और लेस क्या गा? मैं सारे हेड लिख लिया ना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अब आएगा इंक्रीज इन करंट एसेड यह क्या है हमारे पास ट्रेड रिसिवेबल ट्रेड रिसिवेबल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इन्वेंट्रीज में चेंज आ रहा है ट्रेड रिसिवल का जीरो है इंपैक्ट ठीक है इसका इंपैक्ट जीरो आ रहा है एक सौ सत्तावन का एक सौ सत्तावन ही हो रहा है ना बेटा तो अब इन्वेंट्रीज अब इन्वेंट्रीज कितने की है एक लाख बयासी हज़ार और ये माइनस करेंगे बयासी हजार गाइज मैंने ये जानबूझ के जीरो लिखा फिगर ताकि आपको ये पता चल जाए कि ट्रेड रिसिवल एक सौ सतावन था अब भी एक सौ सतावन है एक लाख सतावन हजार उसमें कोई चेंज नहीं आया ताकि आप ये चीज़ इग्नोर ना करो अगर थोड़ा भी प्लस माइनस होता तो हमें एडजस्ट करना पड़ता या इंक्रीज़ में या डिक्रीज़ में मैंने यहाँ लिख के भी ज़ीरो कर दिया आप यहाँ भी जीरो कर सकते थे अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तभी कोई बात नहीं लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको जीरो लिखा है ठीक है जी अब चलिए इसका टोटल कर लेते हैं ये आ गया दो जमा चौंतीस माइनस एटी तो ये बन गया हमारे पास एक लाख सत्तर हज़ार का ये आ गया कैश जनरेटेड ये क्या आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब यहां पे लेस क्या आएगा लेस टैक्स पेड पैंतीस हजार का बेटे ठीक है जी पैंतीस हजार का ये माइनस कर दिया तो अब ये आ गया एक लाख पैंतीस हजार यही आपका आंसर है ऑपरेटिंग का देखिए बेटा हाँ जी यही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक है गाइस चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ठीक है जी दूसरा यहां पे आएगा अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो ये तो बहुत सिंपल है सिर्फ उसी अकाउंट से ही हमें फिगर्स उठानी है ठीक है जी तो यहां आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन वो कितना था दस हजार और अब क्या आएगा दूसरा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन कितना कैलकुलेट किया था एक लाख तीस हजार ये नेगेटिव की फिगर आ जाएगी ये किसकी फिगर आ जाएगी गाइस नेगेटिव की फिगर और ये कितना बन गया एक लाख बीस हजार हमारे पास आंसर यही है यही आंसर है और ये नेगेटिव का है और ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटेज ठीक है और तीसरा कौन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है जी और इसमें क्या आएगा हमारे पास देखिए शेयर कैपिटल बढ़ी है यस yes, शेयर कैपिटल बढ़ी है इशू यहां आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम ईशू ऑफ शेयर कैपिटल ये कितना है एक लाख का बढ़ रहा है ओके उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ा ना हमारा सिक्योरिटी इनक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दस हज़ार का उसके बाद रिडम्शन हुई है डिबेंचर की ठीक है जी तो अब उसके बाद क्या आएगा रिडम्पन ऑफ डिबेंचर्स रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स कितने का है पचास हजार का ठीक है और क्या पे किया आपने इंटरम डिविडेंड इंटर्म डिविडेंड कितने का पे किया है आपने बीस आपने मतलब कंपनी ने ना हाँ ओके उसके बाद आएगा प्रपोज डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड कितना प्रीवियस ईयर का कितना था पचास हजार का तो ये आ गया ठीक है जी एक लाख दस हजार और एक लाख बीस हजार ये बना और दस हजार नेगेटिव की फिगर आ गई ये आएगा कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अब यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज ठीक है जी इसमें वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है जी तो वन में क्या आ जाएगा हमारा एक लाख पैंतीस हजार पॉजिटिव का ठीक है जी कितना आ जाएगा वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस एक लाख बीस हजार माइनस दस हजार और ये क्या आ जाएगा पाँच हजार नेट कैश कितना बच गया पाँच हजार का अब इसमें क्या करेंगे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो उसमें पहले करंट इन्वेस्टमेंट है करंट इन्वेस्टमेंट और वो कितने की है करंट इन्वेस्टमेंट पंद्रह हजार की ओपनिंग है और उसके बाद कैश कितने का बैलेंस एट्टी वन थाउजेंड का ठीक है जी और ये कितना आ गया छाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स थाउजेंड और ये आ गया एक सौ एक ये क्या आ गया एक सौ एक और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट करंट इन्वेस्टमेंट और कैश और ये कितना है दस हजार और ये कितना है इक्यानवे हजार तो इसका भी तो टोटल वही एक लाख एक हजार ही बना ना यही हमारा आंसर इसके साथ मैच है ठीक है तो यही हमारा बैलेंस बनता है तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है मैं फिर भी आपको स्टेप वाइज एक बार दोबारा बता देता हूँ समराइज कर देता हूँ कैसे किया मैंने ये देखिए पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया और उसकी ये वर्किंग की मशीनरी की वर्किंग ये करनी पड़ी थी ना ठीक है जी ये स्लो करके पॉज करके आप बना लीजिए उसके बाद हमने क्या किया प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाया प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाया हमने ठीक है जी उसके बाद ये वर्किंग नोट में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम कैलकुलेट किया फिर हम किस पे आए नंबर वन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रहा हिसाब किताब ठीक है जी चलिए अब उसके बाद हम किस पे आए इन्वेस्टिंग पे उसके बाद हम किस पे आए बेटा इन्वेस्टिंग पे और फिर किस पे आए फाइनेंसिंग पे और नीचे लास्ट में हमने नेट बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया तो so गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहे ओके okay, जी डन